गुड़गांव में एक जादुई बाबा रहा करते थे। उनके जादू के चर्चे तो आसपास के गांव में बहुत हुआ करते थे। कुछ दिन से वो जादुई बाबा ये सब दुनिया छोड़ के बहुत ही शांति की जिंदगी जीने लगे थे। एक दिन वो नदी के किनारे पर बैठ के भोजन कर रहे थे और नदी के पानी में लगातार देखे जा रहे थे और ये सोच रहे थे कि अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, अब मैं जी कर ही क्या करूँगा, क्योंकि कुछ दिन पहले उनकी एकलौती संतान थी जिसकी मृत्यु हो जाती है। अपनी एकलौती संतान की मृत्यु के वजह से वो बहुत ही परेशान रहते हैं। उनकी पत्नी की मृत्यु बहुत सालों पहले ही हो गई थी, अब उनकी एकलौती सहारा उनकी संतान थी। तभी उनके पास एक चिड़िया आती है जिसे देख के वो अपने बाल बाल जादू से लगा लेते हैं। वो चिड़िया उन्हें देखने लगती है, वो बोलते हैं कि कहो तुम्हें भी कोई चमत्कार देखना है। तभी वो चिड़िया कहती है कि नहीं, मैंने आपका असली रूप देख लिया, आपके पास तो ना दाढ़ी है ना बाल है, आप दुनिया वालों के सामने ऐसे दाढ़ी बाल लगा के क्यों आ जाते हो, आप मेरे सामने वैसे रूप में रह सकते हो जैसे आप अभी कुछ देर पहले थे, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको उसी रूप में देखना चाहती हूँ, क्या आप मुझे पहचान सकते हो कि मैं कौन हूँ। वो ऋषि मुनि बस उसे सुनते हैं क्योंकि उन्हें उस चिड़िया से अपनापन महसूस होता है। ऋषि मुनि को बिल्कुल भी पता नहीं था कि ये उनकी मरी हुई बेटी ही है। ऋषि मुनि कहते हैं कि नहीं, मुझे कुछ नहीं बोलना, बस तुम बोलते रहो, मैं तुम्हें सुनना चाहता हूँ। वो चिड़िया उनसे लगातार बोलते रहती है और कहती है कि पापा मैं आपकी बेटी ही हूँ और मेरी मृत्यु के बाद मुझे ये चिड़िया का जन्म मिला है और मैं आपके बिना नहीं रह सकती, मुझे अपना पिछला जन्म सब कुछ याद है। ये सारी बातें सुन के ऋषि मुनि सक जाते हैं और वो सोचते हैं कि मेरी बेटी का जन्म टुन्नी चिड़िया में कैसे हो गया। अब वो उससे कहते हैं कि देखो तुम बिल्कुल मत घबराओ, तुम अपने पापा के पास आ गए, तुम चिड़िया हो या फिर तुम कोई भी पक्षी बन जाओ, मेरा प्यार तुम्हारे लिए बिल्कुल कम नहीं होगा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, जब मैं पूरी दुनिया के लिए जादू करता हूँ तो अपनी बच्ची के लिए क्यों नहीं कर सकता। अब वो टुन्नी चिड़िया ध्यान से सुनती है कि उसके पापा उसके लिए क्या करने वाले हैं। तभी वो बोलते हैं कि आंखें बंद करो, मैं तुम्हें कुछ जादू दिखाने वाला हूँ। और वो आंख बंद करते करते वो खुद एक टुन्नी चिड़िया बन जाते हैं और बोलते हैं कि जल्दी बताओ तुम्हारे पापा टुन्नी चिड़िया के रूप में कैसे लग रहे हैं। अब उसकी बेटी के तो आँख खुले के खुले रह जाते हैं, उसे यकीन ही नहीं होता। अब वो अपने नए घर में आ जाते हैं और बोलते हैं कि हम लोग उस गांव में कभी नहीं जाएंगे, हम लोग इसी दुनिया में रहेंगे, मैं तुम्हारे मरने के बाद तुम्हें बहुत याद करता था और मेरा मन बिल्कुल उस कुटिया में नहीं लगता था। ऐसी कहानी देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे प्लीज।